रोज रोज एक ही तरह के पराठे खाकर बोर हो गए हैं, तो इस तरीके से बनाइएगा ये ठेचा लच्छा पराठा, जो खाने में टेस्टी है और बनाने में बहुत आसान। गेहूं के आटे से बनाएंगे ये ढेर सारी परतों वाला ठेचा लच्छा पराठा, जो एकदम हेल्दी और टेस्टी नाश्ते की रेसिपी है। चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए हमने यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा लिया है। लच्छा पराठा बनाने के लिए आटे को आप छान कर ले। अब इसमें लेंगे 1/2 छोटा चम्मच नमक और 2 छोटे चम्मच डाल देंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी लेकर हम इसका डो लगा लेंगे। तो जैसा हम नॉर्मली चपाती के लिए लगाते हैं, वैसा ही सॉफ्ट डो हमने इसका लगाना है। ये देखिए डो लग कर के तैयार है। इसे अच्छे से नीट कर लेंगे और 5 से 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट के लिए रखें। अब ठेचा बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। ये थोड़ा सा गर्म हो चुका है, तो इस पर हम ये 4 हरी मिर्च डाल देंगे और लो फ्लेम पर इन्हें थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। मिर्च को थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद यहाँ पर हम 1 टीस्पून लेंगे पीनट ऑयल, आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून लेंगे जीरा और 3 से 4 गार्लिक क्लोव। लो फ्लेम पर इन्हें भी फ्राई कर लेंगे और इसी के साथ लेंगे 1 टेबल स्पून पीनट्स, इन्हें भी हम लो फ्लेम पर इनके साथ ही फ्राई करेंगे। पीनट्स भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, फ्लेम को बंद करेंगे और अब हम इन्हें कोर्सली ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमने मोटर लिया है और इसमें हम थोड़े थोड़ी क्वांटिटी में ये मिर्ची डाल देंगे, 1/2 कप के करीब फ्रेश हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक डालकर इन्हें हम कोर्सली ग्राइंड करेंगे। आप चाहें तो इन्हें मिक्सर जार में डालकर भी कोर्सली ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मोटर में ग्राइंड करने से ठेचा का जो टेस्ट है ना वो अलग ही आता है। और ये बाकी की हरी मिर्च भी डाल देते हैं। ध्यान रखें इसका एकदम बारीक पेस्ट ना बनाएं, इसे कोर्सली ग्राइंड करें। ये देखिए ठेचा तैयार है। इसे एक बाउल में ट्रांसफर करेंगे और 1/2 नींबू का रस भी डाल देंगे। इससे ये ठेचा और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाएगा। ठेचा बन करके तैयार है। अब इसे बनाते हैं मसाला लच्छा पराठा। तो डो को हमने रेस्ट के लिए रखा था, अब ये भी अच्छे से सेट हो गया है। अब लच्छा पराठा बनाने के लिए पेड़े बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बड़ा सा पेड़ा लिया है और बोल को हम आटे में अच्छे से डस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर चपाती को पतला ना बनाएं, थोड़ा मोटा ही रखें ताकि जब हम इसे फोल्ड करें तो वो टूटे नहीं। आटा भी हम अच्छे से डस्ट करेंगे ताकि जब हम पराठे को उठाएं ना तो वो प्लेटफॉर्म के चिपके नहीं और जो लेयर्स है ना वो एकदम अच्छे से खुल कर आएंगे अच्छे से आटा डस्ट करने से। तो ये देखिए हमने इसकी एक बड़ी सी चपाती बना ली है। अब हम इस पर 1 चम्मच घी डाल देंगे। ये जो घी है ना ये थोड़ा सा ठंडा किया हुआ है, आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं। और इसके ऊपर डाल देंगे हम ठेचा। तो 1 चम्मच मैंने इस पर ठेचा डाला है और इसे अच्छे से फैला देंगे। आप इसे थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे इसके ऊपर और आटा डस्ट कर देंगे। इस तरीके से आटा डस्ट करने से लेयर्स बहुत अच्छे से खुलती हैं। अब जैसे हम पेपर फैन फोल्ड करते हैं बस वैसे ही इस चपाती को हमें फोल्ड कर देना है। ये सबसे आसान तरीका है लच्छा पराठा बनाने का। तो चाहे आप मैदे का बनाएं या गेहूं के आटे से, इस तरीके से लच्छा पराठा बनाएंगे ना तो एक एक लेयर्स खुल कर आएंगी। ये देखिए नीचे जो हमने आटा डस्ट किया था वो अच्छे से चिपक गया है। तो बस हल्के हाथों से हम ये प्लेट्स बना देंगे। जितनी ज़्यादा प्लेट्स बनाएंगे लेयर्स भी उतनी ही आएंगी। अब इसे हमें थोड़ा सा लंबा और पतला बना लेना है, अब जिससे जो पेड़ा है ना वो अच्छे से बनेगा। अब हम टाइट हैंड से इस पेड़े को अच्छे से रोल कर देंगे और जो लास्ट का पार्ट है उसे अच्छे से चिपका देंगे। और ये देखिए ये एक पेड़ा बनकर के तैयार है। इसी तरीके से हम बाकी के सारे पेड़े भी तैयार कर लेंगे। बस इसे हमें फोल्ड करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये देखिए अच्छे से इसे चिपकाते हुए फोल्ड करें ताकि जब हम पराठा बेलें या उसे सेकें ना तो वो खुले नहीं। तो हमने यहाँ पर ये सारे पेड़े बना करके तैयार कर लिए हैं, इन्हें हम ढक कर रखेंगे। अब हम इसे सेक बोल लेंगे, बाकी के पेड़ों को कवर करके रखेंगे। रोलिंग बोर्ड पर आटा डस्ट करेंगे। अब हम हल्के हाथों से इस पेड़े को बेलेंगे। ज़्यादा प्रेशर से इस पराठे को नहीं बनाना है, हल्के हाथों से इसे बेल लेना है। ये देखिए बस हल्के हाथों से हम ये पराठा बेल लेना है। अब चलते हैं गैस की तरफ। लच्छा पराठा सेकने के लिए यहाँ पर तवे को हमने अच्छा गर्म कर लिया है। पराठे के ऊपर की साइड को हम ऊपर ही रखेंगे और इसे तवे पर डाल देते हैं। 1 मिनट के बाद हम पराठे को फ्लिप कर देंगे। हम इस पर घी या तेल कुछ भी नहीं लगाएंगे, दूसरी साइड से इसे सिकने दें। 2 से 3 मिनट के बाद इसे हम फ्लिप करेंगे और फिर हम घी डाल देंगे।
अब इसके ऊपर भी घी डाल देंगे। अब इस तरीके से प्रेस करते हुए पराठे को अच्छे से सिकने देंगे। घी डालने से ही ये लेयर्स खुलेंगी। अगर आप कम घी में ये पराठा सेकेंगे ना तो लेयर्स अच्छे से नहीं खुलेंगी। और लो टू मीडियम फ्लेम पर इस पराठे को सेक लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छे से इसकी लेयर्स खुल गई हैं और ये पराठा बहुत ही क्रिस्पी बना है। बस इसी तरीके से हम दूसरा पराठा भी सेक लेंगे और एक एक पराठे की लेयर्स ऐसे ही खुलेंगी। पराठा बनाते हुए ध्यान रखें, जब लेयर्स ओपन होने लगे ना तो फ्लेम को थोड़ा सा कम कर दें और घी डाल दें, जिससे कि लेयर्स अच्छे से खुलती हैं। और ये देखिए गेहूं के आटे से बना है ये टेस्टी सा लच्छा पराठा। एक एक लेयर्स ओपन हुई हैं। तो मसाला पराठा तो आपने खूब बनाया होगा, एक बार इस तरीके से ठेचा लच्छा पराठा बनाकर देखिएगा। अब आप चाहें तो इसे दही के साथ सर्व करें, चाय के साथ खाएं या फिर अचार के साथ ऐसे ही खाएं। ये बहुत बहुत टेस्टी पराठा बन करके तैयार हुआ है। कैसे लगी आपको ये रेसिपी मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसे घर पर बनाकर देखिएगा। इसे आप कौन से सिटी से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। और पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर से कीजिएगा और बेल बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।